हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर से हम स्टार्ट कर रहे हैं एनएमआर। एनएमआर बहुत इंपॉर्टेंट है सीएसआई और नेट और गेट दोनों के रेस्पेक्ट में। यदि हम देखें लगभग 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही हैं सीएसआई और नेट के अंदर। पार्ट बी में भी एक क्वेश्चन होता है, पार्ट सी में भी एक क्वेश्चन होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले इस ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आपको नए वीडियोज की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। और मैं रेगुलरली यहाँ पर वीडियोज अपलोड कर रहा हूँ, तो आप रेगुलरली वॉच करते जाइए, आपके डाउट्स को मुझे कमेंट बॉक्स में बताते जाइए। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पर्टिकुलरली बेसिक्स ऑफ एनएमआर पढ़ेंगे। एनएमआर्स के कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूले हैं जो बी पार्ट में बिल्कुल कंपलसरीली आते हैं, तो वो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लास्ट में थ्री क्वेश्चंस भी मैं आपको देने वाला हूँ, उनके आंसर्स आपसे पूछूंगा, मेथड पूरी बताऊंगा, सिर्फ आंसर आपसे पूछूंगा, कमेंट बॉक्स में आपको मुझे आंसर्स बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी मींस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पर जो न्यूक्लियस में रेजोनेंस होगा उससे हमको कुछ सिग्नल्स आने वाले हैं, ठीक। धीरे धीरे इसको समझते हैं हम। देखिए, न्यूक्लियाई हमारे पास दो टाइप के हो सकते हैं, दो अलग अलग टाइप के न्यूक्लियाई हो सकते हैं। एक न्यूक्लियाई को हम कह रहे हैं मैग्नेटिक न्यूक्लियाई, दूसरे को मैं कह रहा हूं, आप समझ गए, नॉन मैग्नेटिक न्यूक्लियाई, ठीक। हमारे पास ये दो टाइप के न्यूक्लियाई हो सकते हैं। अब मैग्नेटिक न्यूक्लियाई हम किसको कह रहे हैं? मैग्नेटिक न्यूक्लियाई हम उसको कह रहे हैं जिसके लिए न्यूक्लियर स्पिन, जिसको मैं आई से डिनोट करूंगा, दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो, मीन्स न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यू जीरो नहीं होगी, वो हमारे लिए मैग्नेटिक न्यूक्लियाई होंगे। और जिन न्यूक्लियाई के लिए न्यूक्लियर स्पिन मीन्स आई इज इक्वल टू जीरो होगा, वो हमारे लिए नॉन मैग्नेटिक न्यूक्लियाई होंगे, ठीक है। जो न्यूक्लियर स्पिन जीरो नहीं रखते हैं, मतलब मैग्नेटिक न्यूक्लियाई है, वो हमारे लिए एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई होंगे, क्लियर है। एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई हम किनको कहेंगे? जिनके लिए न्यूक्लियर स्पिन की कुछ वैल्यू होगी, जीरो नहीं है। जिनके लिए जीरो है वो हमारे लिए एनएमआर इनएक्टिव न्यूक्लियाई होंगे। अब कौन से एनएमआर इनएक्टिव न्यूक्लियाई होंगे, या हम ऐसा कह सकते हैं कि कौन से ऐसे एटम्स होंगे, कौन से ऐसे न्यूक्लियाई होंगे जिनके लिए न्यूक्लियर स्पिन जीरो आएगी, आई इज इक्वल टू जीरो आएगी। तो एग्जांपल्स में यहां पर बता रहा हूं, एग्जांपल्स बताऊं उसके पहले फंडा बता देता हूं, आखिर में कौन से कॉन्सेप्ट बता देता हूं जिसमें से हमको ये पता चल जाएगा कि इस टाइप के एटम्स के लिए न्यूक्लियर स्पिन क्या आएगी, जीरो आएगी। तो ऐसे एटम्स जिनके लिए एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर बोथ आर इवन, ये फंडा है हमारे पास, ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि ऐसे सारे न्यूक्लियाई, ऐसे सारे एटम्स जिनके लिए एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों क्या हो, इवन हो, वो हमारे लिए नॉन मैग्नेटिक न्यूक्लियाई होंगे, जिनके लिए न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी, और वो हमारे लिए एनएमआर इनएक्टिव होंगे और हमको कोई सिग्नल नहीं दे पाएंगे। एग्जाम्पल अब मैं लिख देता हूं, हीलियम 2-4 एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों ही क्या है, इवन है। कार्बन 12 एटॉमिक नंबर मास नंबर दोनों ही क्या है, इवन है। नियॉन एटॉमिक नंबर मास नंबर दोनों ही क्या है, इवन है। तो ऐसे ये जितने भी ऐसे न्यूक्लियाई होंगे जिनके एटॉमिक नंबर मास नंबर इवन होंगे, वो हमारे लिए नॉन मैग्नेटिक न्यूक्लियाई होंगे, क्लियर है। अब इधर देखो, इधर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है क्या, कि एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर अलग अलग कंडीशन हो सकती है, क्या कि इवन हो सकता है एटॉमिक नंबर और ओड हो सकता है मास नंबर, दूसरा ओड हो सकता है एटॉमिक नंबर, ओड हो सकता है मास नंबर, तीसरा ओड हो सकता है एटॉमिक नंबर लेकिन इवन हो सकता है मास नंबर, ये तीन अलग अलग कंडीशंस हमारे पास हो सकती है। एग्जांपल लेता हूं मैं,
एग्जाम्पल से हम समझते हैं। इवन एटॉमिक नंबर, ओड मास नंबर, कार्बन 6, 13, क्लियर है। ये एटम जिसका एटॉमिक नंबर इवन है, मास नंबर क्या है, ओड है। ओड एटॉमिक नंबर, ओड मास नंबर, हाइड्रोजन, ओड एटॉमिक नंबर, ओड मास नंबर, क्लियर। तीसरा, ओड एटॉमिक नंबर, इवन मास नंबर, बी 5, 10 है हमारे पास। देखो यहां पर एटॉमिक नंबर ओड है और मास नंबर क्या है, इवन है। तो ये हमारे पास ऐसे न्यूक्लियाई है जिनको हम मैग्नेटिक न्यूक्लियाई कहेंगे और इनके लिए न्यूक्लियर स्पिन नॉट इक्वल टू जीरो होगी, ठीक। अब हम ये देखेंगे कि मैग्नेटिक न्यूक्लियाई के क्या टाइप्स होते हैं। मैग्नेटिक न्यूक्लियाई हमारे पास दो टाइप के, मैग्नेटिक न्यूक्लियाई क्या है वो दो टाइप हमारे पास, एक तो होता है क्वाड्रपल, क्वाड्रपल न्यूक्लियाई, क्लियर है, क्वाड्रपल न्यूक्लियाई, और दूसरा होता है, समझ गया, नॉन क्वाड्रपल न्यूक्लियाई। तो ये हमारे पास दो टाइप के अलग अलग न्यूक्लियाई होते हैं, मैग्नेटिक न्यूक्लियाई। अब क्वाड्रपल न्यूक्लियाई हम किनको कहते हैं, ऐसे न्यूक्लियाई जिनका आई मींस न्यूक्लियर स्पिन इज ग्रेटर देन हाफ। ग्रेटर देन हाफ का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल मैं कह सकता हूं कि वो 3/2 भी हो सकता है, वो 1 भी हो सकता है, वो 5/2 भी हो सकता है, इस टाइप के यदि उसका आई की वैल्यू आ रही है तो वो हमारे लिए क्वाड्रपल न्यूक्लियाई है, ठीक। नॉन क्वाड्रपल न्यूक्लियाई हम किसको कहते हैं, जिनकी आई की वैल्यू इज इक्वल टू हाफ, सिर्फ हाफ हो यदि, तो वो हमारे लिए नॉन क्वाड्रपल न्यूक्लियाई है। अब जो क्वाड्रपल न्यूक्लियाई होते हैं उनके एग्जांपल मैं बता देता हूं आपको, बोरॉन है, बोरॉन 11, नाइट्रोजन 14 है, क्लोरीन 35 है, ये हमारे पास ऐसे न्यूक्लियाई हैं जिनका आई ग्रेटर देन 1 आएगा, क्लियर है, और इनको हम नॉन क्वाड्रपल क्वाड्रपल न्यूक्लियाई कहेंगे। नॉन क्वाड्रपल न्यूक्लियाई के एग्जांपल्स भी आपको मैं बता देता हूं, H हाइड्रोजन 1, 1 है हमारे पास, कार्बन 13 है हमारे पास, फ्लोरीन 19 है हमारे पास, फास्फोरस 31 है हमारे पास, ये सभी क्या है हमारे पास, नॉन क्वाड्रपल न्यूक्लियाई, मतलब इनके जो आई आएंगे, न्यूक्लियर स्पिन आएंगे, वो इक्वल टू हाफ होंगे। अब ये क्वाड्रपल न्यूक्लियाई करते क्या है, क्वाड्रपल न्यूक्लियाई से जो हमको स्पेक्ट्रा मिलता है या जो सिग्नल आता है वो बहुत ब्रॉड आता है, कहने का मतलब ये है, दिस गिव ब्रॉड सिग्नल, सिग्नल इन एनएमआर, एनएमआर में ये क्या करते हैं, ब्रॉड सिग्नल देते हैं, इस टाइप से ब्रॉड सिग्नल आता है इसका। जबकि नॉन क्वाड्रपल न्यूक्लियाई जो होते हैं, दिस गिव शार्प सिग्नल, शार्प सिग्नल इन एनएमआर, एनएमआर में इनका शार्प सिग्नल आता है इस टाइप से, क्लियर है। तो हम ज्यादा से ज्यादा स्टडी करेंगे नॉन क्वाड्रपल न्यूक्लियाई को, जिनके सिग्नल हमको शार्प आते हैं। क्वाड्रपल न्यूक्लियाई जिनके ब्रॉड सिग्नल आते हैं उनका रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा रहता है, इसलिए उनका सिग्नल क्या आता है, ब्रॉड आता है। चलिए अब एक नई टर्म हम डिस्कस करते हैं, दैट इज न्यूक्लियर ट्रांजिशन, न्यूक्लियर ट्रांजिशन। समझते हैं न्यूक्लियर ट्रांजिशन होता क्या है, बहुत ध्यान से समझना इसको आप, क्योंकि थोड़े से मैथमेटिकल फॉर्मूले यहां पर और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहीं से क्वेश्चन बनता है 2 मार्क्स में या बी पार्ट में हमारे पास। देखिए कोई न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस वो यदि किसी मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखा हुआ है तो उसके एनर्जी लेवल से ये माने जाते हैं, मीन्स ये एच नॉट हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड हमने उसको कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है। जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उसके एनर्जी लेवल्स स्प्लिट हो जाते हैं, ये जो है इसको हम बीटा स्टेट कहते हैं, बीटा स्टेट, और हायर एनर्जी लेवल, लोअर एनर्जी लेवल को हमने कह दिया बीटा स्टेट, और हायर एनर्जी लेवल को कह दिया हमने अल्फा स्टेट। अब मैंने क्या कहा है यहां पर, कि यहां पर मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया है, मीन्स दैट एच नॉट इज नॉट इक्वल टू जीरो, कुछ भी एच नॉट की वैल्यू है। अब कई बुक्स में आपको एच नॉट की जगह बी जेड भी लिखा हुआ मिल सकता है,
एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर। अब देखिए यहां पर ये जो एनर्जी गेप आया है इसको मैं क्या कहूंगा, डेल्टा ई, डेल्टा ई, जो कि क्या होगा एच न्यू के ही इक्वल होगा, एच न्यू। अब ये एच न्यू को मैं यहां पर जी बीटा एच नॉट के इक्वल मान रहा हूं, किसके, जी बीटा एच नॉट के इक्वल, ठीक है। एच न्यू की वैल्यू जी बीटा एच नॉट के इक्वल ही आती है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एच न्यू इज इक्वल टू जी बीटा एच नॉट है हमारे पास। मैं यदि न्यू निकालना चाह रहा हूं, मीन्स फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो जी बीटा एच नॉट डिवाइडेड बाय एच हो जाएगा। ये वो फॉर्मूला है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे इसको। डेल्टा ई हमारे लिए एनर्जी गैप बिटवीन द टू एनर्जी लेवल्स है, जिसको हम एच न्यू ही कहेंगे। जितना ज्यादा एच न्यू होगा, मीन्स जितना ज्यादा हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे उतना गैप ज्यादा आएगा, एच न्यू की वैल्यू इतनी ज्यादा आएगी। एच न्यू की हेल्प से हम जी बीटा एच नॉट का एक फॉर्मूला बना रहे हैं, ये फॉर्मूला हमारे पास ये है। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं वो हम यहां पर लिख लेते हैं। देखो न्यू हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, ठीक। जी हमारे पास क्या है, गायरोस्कोपिक रेशियो, गायरोस्कोपिक रेशियो है ये। बीटा हमारे पास क्या है, न्यूक्लियर बोहर मैग्नेट्रॉन, मैग्नेट्रॉन, ठीक है। बीटा हमारे पास क्या है, न्यूक्लियर बोहर मैग्नेट्रॉन, और क्या है हमारे पास, एच नॉट तो मैंने बता ही दिया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड या अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, और एच हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट है। इस फॉर्मूले की हेल्प से, इस फॉर्मूले में हमको कोई भी एक चीज मिसिंग कर देता है और वो हमसे पूछता है। यदि हमसे फ्रीक्वेंसी पूछे तो वो हमको जी की, मीन्स गायरोस्कोपिक रेशियो, गायरोस्कोपिक रेशियो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से, यदि हमको फ्रीक्वेंसी पता हो। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए गायरोस्कोपिक रेशियो मींस जी की वैल्यू होती है 5.585 होती है, किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए। तो अलग अलग एटम्स के लिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी लास्ट में मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा करने के लिए, जिसमें आपको गायरोस्कोपिक रेशियो फ्लोरीन के लिए मैं निकालने के लिए दूंगा, हाइड्रोजन एटम के लिए ये मैंने आपको बता दी। बोहर मैग्नेट्रॉन की भी वैल्यू हमारे पास होती है बीटा की 5.05 × 10⁻²⁷ जूल पर टेस्ला, इसको क्या कहते हैं, जूल पर टेस्ला, टी मींस टेस्ला है यहां पर, टेस्ला। अब गूगल करा करना टेस्ला क्या होता है, जूल पर टेस्ला हमारे पास बीटा की वैल्यू आई हुई है, बीटा मींस न्यूक्लियर बोहर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू। अब चलिए इस पर बेस्ड एक हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। चलिए आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने एक नहीं यहां पर तीन तीन क्वेश्चन लिख दिए हैं। पहला क्वेश्चन देखो इसके अंदर क्या दिया हुआ, कैलकुलेट द न्यूक्लियर जी फैक्टर फॉर F19। जैसा मैंने अभी आपको कहा था कि G फैक्टर हम कैलकुलेट कर सकते हैं यदि बाकी वैल्यू हमको दी हो। F19 न्यूक्लियाई मिला हुआ है विच ऑपरेट्स एट 1 टेस्ला, 1 टेस्ला हमको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मिली भी है, मतलब एच नॉट इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1 टेस्ला दिया हुआ है। एंड द रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी इज 40.06 हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज, क्या दिया दे रखा है, म्यू दे रखा है। एंड बीटा की वैल्यू 5.05 × 10⁻²⁷ जूल टेस्ला मिला हुआ है। अब फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, न्यू इज इक्वल टू जी बीटा एच नॉट डिवाइडेड बाय एच होता है। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू आपको याद होना चाहिए, तो आप इसको सॉल्व कर लोगे। आपको न्यू मिला हुआ है कितना, 40.06 मेगा हर्ज मिला हुआ है, क्लियर। आपको बीटा मिला हुआ है कितना, 5.05 × 10⁻²⁷ जूल पर टेस्ला मिला हुआ है। आपको एच नॉट मिला हुआ है 1 टेस्ला, क्लियर। ये मिला हुआ है, ये मिला हुआ है, जी फैक्टर आपको कैलकुलेट करना है, ये आपको पता है, ये आपको पता है, आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हो। कैलकुलेट करके मुझे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है तीनों के आंसर। मैं सिर्फ आपको मेथड बता रहा हूं, आपको करना क्या है, आप सिर्फ वैल्यूज पुट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन में मैं बहुत वीक हूं, आप इसको कैलकुलेट करके 1, 2, 3 करके मुझे ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में बताना। दूसरा देखो, दूसरे में भी कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू ऑब्जर्व एनएमआर फ्रीक्वेंसी फॉर F19 at 60 मेगाहर्ट्ज। क्या क्या दिया हुआ है वो आपको यहां पर देखो, फॉर्मूला यही का यही है हमारे पास। ये पहले के लिए बता दिया, दूसरे के लिए भी बता देता हूं। हमको उसने दिया हुआ है न्यू, दैट इज 60 मेगाहर्ट्ज, ये हमको दिया हुआ है, ठीक है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक फील्ड रेशियो कैलकुलेट करना है, मीन्स एच नॉट आपको कैलकुलेट करना है।
और क्या क्या गिवन है, गिवन में देखो जी आपको गिवन है, जी आपको गिवन है, जी आपको गिवन कहां है, पहले वाले क्वेश्चन में जी, आप पहले वाले क्वेश्चन में कैलकुलेट करोगे तो वहां से आप जी की वैल्यू इस सेकंड क्वेश्चन में यूज कर लेना, क्या वैल्यू आएगी मुझे भी नहीं पता है, ठीक है, मैं आपको बता नहीं रहा हूं, पता है मुझे, मैं बता नहीं रहा हूं। F19 की वैल्यू, F19 के लिए जी की वैल्यू जो पहले वाले क्वेश्चन में आएगी वो आप यहां पर सेकंड क्वेश्चन में यूज कर लेना। बीटा की वैल्यू वही की वही 5.05 × 10⁻²⁷ जूल टेस्ला पर टेस्ला आएगी, ये सेकंड क्वेश्चन में आपको एच नॉट कैलकुलेट करके लाना है, फॉर्मूला यही का यही है। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है, एक नया फॉर्मूला यहां पर मैं आपको बता रहा हूं। क्या फॉर्मूला पहले देख लेते हैं, देखो हमारा फॉर्मूला क्या है, न्यू इज इक्वल टू जी बीटा एच नॉट डिवाइडेड बाय एच, ये होता है। अब देखो एक एक वर्ड होता है मैग्नेटो गायरिक रेशियो, मैग्नेटो गायरिक रेशियो जिसको हम गामा से डिनोट करेंगे, गामा से डिनोट करेंगे, तो एच कट गामा इज इक्वल टू जी बीटा होता है, एच कट गामा इज इक्वल टू क्या होता है, जी बीटा होता है। तो गामा इज इक्वल टू मैं ये कह सकता हूं कि जी बीटा एच कट होगा। अब एच कट इज इक्वल टू क्या होता है, एच अपॉन टू पाई, एच कट इज इक्वल टू क्या होता है, एच अपॉन टू पाई, ये तो क्वांटम में हम सीख करके आए हैं कि एच कट इज इक्वल टू एच अपॉन टू पाई होता है। अब यहां पर देखो इस फॉर्मूले को मैं ऐसा लिख सकता हूं गामा एच नॉट अपॉन टू पाई, ठीक है, ये जी बीटा एच की जगह पर मैंने डायरेक्ट क्या रख दिया, गामा, और हमारे पास क्या बचेगा, टू पाई बच जाएगा। अब ये भी इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा अपॉन टू पाई के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास एक और फॉर्मूला बन गया जिसमें क्या क्या है वो भी मैं बता देता हूं आप लोगों को क्या क्या है, नीचे वाली चीज हटा दूं, इस नीचे वाली चीज को आप कॉपी कर लेना, आप आपके पास लिखा हुआ है इस पॉज करके। देखो गामा तो मैंने बता दिया ओ कि क्या होता है, मैग्नेटोगायरिक रेशियो, ओमेगा होता है हमारे पास लार्मोर फ्रीक्वेंसी, लार्मोर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इससे भी हमको क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या क्या दिया हुआ है जिसमें आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना, इन स्पेक्ट्रोमीटर ऑपरेटिंग एट 1 टेस्ला, इसका मतलब आपको एच नॉट मिल गया, एच नॉट इज इक्वल टू क्या है 1 टेस्ला, मीन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपको मिल गई। द एनएमआर फ्रीक्वेंसी ऑफ F19 इज 40 MHz, 40.06 मीन्स न्यू भी आपको मिल गया 40.06 MHz, ये भी आपको मिल गया। कैलकुलेट मैग्नेटोगायरिक रेशियो मीन्स गामा आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ये क्वेश्चन है आपके पास। आप देखो आपको एच नॉट मिला हुआ है, न्यू मिला हुआ है, कौन सा फार्मूला हम यूज करेंगे, ये न्यू है हमारे पास, ये आपको मिला हुआ है एच नॉट मिला हुआ है, गामा आपको कैलकुलेट करना है, ये गामा कैलकुलेट कर सकते हो 2 पाई की वैल्यू रख करके, मीन्स मैं ये फार्मूला यूज कर लूंगी, न्यू इज इक्वल टू गामा एच नॉट डिवाइडेड बाय 2 पाई, बस आपका मैग्नेटोगायरिक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी। आप बताना मुझे कमेंट बॉक्स में क्या आते हैं, 1, 2, 3 क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, कैसा लगा आपको, आप लाइक जरूर करना, यदि अच्छा लगा तो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।